अब ये बच्ची अच्छाई को छोड़ के बुराई की तरफ जाएगी, और जैसे जैसे इस मशाल की रोशनी कम होती जाएगी वैसे ही इसके अंदर की अच्छाई मरती जाएगी। और जैसे ही ये मशाल बुझ जाएगी हम समझ जाएंगे कि ये शैतान बन चुकी है। अब ये बच्ची दोनों में से किसी एक को कुर्बानी के लिए चुनेगी, और जिसको ये देख के मुस्कुराएगी उसकी कुर्बानी दी जाएगी। तो बताओ बेटा किसकी कुर्बानी देनी है? अम्मी की या अब्बू की? देखो और मुस्कुराओ। रुक जाओ, बंद करो इस। अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है तो मेरी है, तो मेरी जान ले लो, लेकिन मायरा और मेरी बच्ची को छोड़ दो। वाह मायरा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरमान भाई जैसे पत्थर दे इंसान को मूंगा बना दिया। ये वही इंसान है ना जिसने तुम्हें इतना परेशान किया था, और आज तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है। वाह, सिर्फ मोहब्बत कहते हैं अमार, लेकिन ये सब तुम नहीं समझो, क्योंकि मोहब्बत को समझने के लिए उसे महसूस करने के लिए इंसान का दिल होना जरूरी है। मोहब्बत को मैंने बहुत पास से जाना है माहिरा, और ये भी जाना है कि उसमें कितना दर्द मिलता है। मैंने तुमसे पूरे दिलो जान से मोहब्बत की थी, और तुमने बदले में क्या दिया? धोखा। आज तुम्हारे धोखे की वजह से ही अम्मा ऐसा हो गया। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है अरमान, मानो या ना मानो तुम हम में से एक ही, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं, और अगर जरा सी दिल है ना वो आजाद के दिल की वजह से, क्योंकि आजाद का दिल तो तुम्हारे अंदर है, और मैंने तीन दिलों को सिर्फ आजाद ही था, जिससे भी हूँ बहुत बहुत आबादी थी। और जो जो आजाद का था वो मैं तुम्हें से छीन लेती। मेरे बेटे का दिल मैं तुम्हें छीन लेती। अब खान जी का मादा ही है ना, अब वो लोग जरूर आएंगे। हाँ खाला, हाला पर हमारी प्रिंसेस खान जी का मिकम की सारी ताकत छुपी हुई है, वो ताकत जिसके लिए उन्होंने इंतजार किया है। लेकिन मन खान बेगम तो बदल गई थी ना? पता नहीं खाला हम पूरे घर को जश्न के लिए तैयार करेंगे। हम 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 हम
ब्यूटीफुल मैं हूँ, पर आज आपकी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्टी है। आप जी 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 सो वापस कैसे आ गई? तुम मर चुकी थी। मैंने तो तस्वीर भी देखी थी मोबाइल पे। अब क्या लेने आई हो? इस बार तुमसे कुछ भी लेने नहीं आई हूँ, पर तुम कुछ कुछ देने आई हो। तुम तुम्हारी आसान थी। नहीं 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 कहा जा रहा बहुत कम है। इससे पहले कि अच्छी ताकतें फिर से अपने वजूद में आ जाए, हमें कुर्बानी देनी होगी। मैं तुम्हारे सीने से तुम्हारा ये दिल निकाल रही हूँ। दर्द तुम्हारे आंखों से निकल रहा है आंसू बन के। तुम्हारे नहीं रहा
बहुत मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया। तुम इतनी कैसे हो सकती हो मायरा? तुम्हें इतनी मोहब्बत में देख के मुझे फिर से संपत्ति हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना बदला कैसे लूँ। तुम्हें मार डालूँ? नहीं नहीं, वो बहुत ही आसान सा विधि होगी। तुम्हें शैतान बना दूँ? नहीं नहीं, यहाँ वैसे ही इतने सारे शैतान हैं। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी सजा खुद ही चुन लो। वो तलवार देख रही हो? उस तलवार के आगे, आगे अभी अभी जान की कुर्बानी दे। बस इतनी मदद दो, दो कि किसकी जान जाए, ये बता दो। अरमान की या तुम्हारी बच्चे की? माहिरा मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें पूरी जिंदगी बोझ रहेगी। बताओ किस किस की कुर्बानी देंगे? अरमान की ये तो तुम्हारी बच्ची की? OMG खाला, you know what? इस बेबस के खाने के टेस्ट सिर्फ मुझे पता है। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ जानते हैं? कोफ्ते। ये पता हो तुझे पता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? कितने दिनों में छोटी हमने बताओ अरमान
ये तुम्हारी बड़ी बच्ची कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हारे अंदर जरासी भी इंसानियत की चीज नहीं बची। आप भी ना हमारी भाई। जब मैं इंसान ही नहीं तो मेरे अंदर इंसानियत कैसे होगी? मैं शैतान शैतान और मेरी शैतानी के नमूने तो आप देख ही चुके। अब बताओ मायरा और मान या तुम्हारा बच्चा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो पूरा कर पाए लेकिन नहीं लगता कि आप अपने आप को माहिर को या अपने बच्चे को बचा पा पाएंगे। माहिर बताओ बताओ मुझे माहिरा तुम बहुत बहुत समझदार अब अपना फैसला बता बताओ अरमान या तुम्हारा बच्चा। तुमने मुझे फैसला लेने के लिए कहा था। मैं फैसला बचा चुकी। अरमान को छोड़ दो। मैंने ये कहा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं तो बस ये कहा कि मैं इसे मारूंगा नहीं। अब हम अरमान के बदले तुम्हारी भाई बच्ची की कुर्बानी देंगे। आज शैतानी की रात है और मैं सोच रही हूँ कि रात को और भी ज़्यादा शैतानी बना दिया। ज़रा छोटी, कितना मज़ा आएगा कि एक माँ अपनी बच्ची की कुर्बानी दे। खुद खुद अपने हाथों
हनुमान हनुमान आपने साबित कर दिया खान बेगम कि आपसे बड़ा शैतान तो कोई हो ही नहीं सकता। एक माँ के हाथ एक बच्चे की कुर्बानी। इसे तो पूरी दुनिया याद रखेगी। चलिए चलिए तैयारी शुरू करते हैं।